The next speaker is Sanjay Singh. धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय विजय पाल सिंह जी तोमर को, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस सदन के सामने रखा है, किसानों के जीवन से जुड़ा हुआ प्रस्ताव माननीय। और ऐसे समय में जब हम किसान की चर्चा यहां पर करने के लिए एकत्रित हुए हैं, किसानों के सबसे अग्रणी नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को याद करना बहुत जरूरी है। माननीय, उन्होंने कहा था, देश की तरक्की और खुशहाली का रास्ता खेतों और खलियानों से होके जाता है। लेकिन आज 72 साल हो गए, हालत यह है कि किसानों की तकलीफ और पीड़ा का रास्ता खेतों और खलियानों से होकर जा रहा है। यह हम सबके लिए चिंता का विषय है। माननीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और जब देश में अन्न का संकट आया तो उन्होंने आह्वान किया एक दिन का उपवास रखने के लिए। पूरे देश में लोगों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने उनके उस आह्वान पर उपवास रखा कि देश में अन्न का संकट कम हो सके। किसानों ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने श्रम से भंडारों को भरा, देश में अन्न की समस्या को खत्म किया। लेकिन आज के हालात में मुझे एक कवि की लाइनें याद आ रही हैं कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, राजनेता हाकिमों और पागलों को छोड़कर तुम बताओ कौन हंसता है हमारे देश में, तुम बताओ कौन हंसता है हमारे देश में। यह किसान की पीड़ा है, सच्चाई है मान्यवर। और यहां आदरणीय शिव प्रताप शुक्ला जी बैठे हुए हैं, मैं उनकी उनका ध्यान चाहूंगा। अजय सिंह जी बैठे हुए हैं, उनका भी ध्यान चाहूंगा। अशोक वाजपेयी जी बैठे हैं, उनका भी ध्यान चाहूंगा। ये तीनों लोग ज्यादा समझ सकते हैं, बाकी लोग थोड़ा कम समझ सकते हैं। शिव प्रसाद शुक्ला जी से मैं जरूर ध्यान चाहूंगा। एक हमारे अवधि के कवि हुए रफीक सादानी साहब, उन्होंने लिखा है, अवधि की लाइनें हैं, बहुत अच्छे से इन लोगों को समझ में आएंगी। एसी में रहे नेता, घामे मजरी हम, एसी में रहे नेता, घामे मजरी हम, जलपान करें नेता, भुगतान करी हम। यह हालत है किसानों की। माननीय, आज अपने श्रम से, अपने परिश्रम से देश के गोदामों को किसान तो भर रहा है, लेकिन वो खुद भूख से मर रहा है, गरीबी से मर रहा है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। उसके खेतों में पानी नहीं मिल रहा, खाद मांगने जाता है तो मान्यवर उसको लाठियों से पीटा जाता है, पानी मांगने जाता है तो लाठियों से पीटा जाता है, गन्ने का दाम मांगने जाता है तो लाठियों से पीटा जाता है, आलू का दाम मांगने जाता है तो लाठियों से पीटा जाता है, प्याज का दाम मांगने जाता है तो लाठियों से पीटा जाता है, और अपने जमीन का मुआवजा मांगने जाता है तो उसको लाठियों से पीटा जाता है। मान्यवर, ये किसानों की सच्चाई है। इसी दिल्ली के अंदर गन्ना के किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अपने गन्ने का हजारों करोड़ रुपए बकाया मांगने के लिए आए थे, उनको पीट कर लहूलुहान कर दिया गया। आज ये सब कुछ इस देश के लिए हो रहा है। और किसानों की जमीन किसके किसके लिए इस्तेमाल हो रही है? जिसको जरूरत होती है किसान की जमीन दे दो, जिसको भी चाहिए किसान की जमीन दे दो। हाईवे बनना है, किसान की जमीन। अडानी को फैक्ट्री खोलनी है, किसान की जमीन। अंबानी को फैक्ट्री खोलनी है, किसान की जमीन। एयरपोर्ट खोलना है, किसान की जमीन। रेलवे की लाइनें बिछानी है, किसान को जमीन। पूरे देश में किसानों की जमीनों का अधिग्रहण करके औने पौने दामों पर स्टील प्लांट प्राइवेट कंपनियों को लगाना है। हमें याद है उड़ीसा में वेदांता के लिए कितना संघर्ष आदिवासियों ने किया, उनकी जमीनों को, किसानों को, किसानों की, आदिवासियों की जमीनों को वहां पर कंपनियों को देने के लिए, जिस तरह से सरकार कर रही थी। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं माननीय, निवेदन करना चाहता हूं कि इन नीतियों के ऊपर रोक लगाया जाए, तभी देश के किसान का भला हो सकता है। आपने एसी जेट के नाम पर देश के अंदर ही विदेशी टापू खड़े कर दिए, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विरोध तो सबसे ज्यादा स्वदेशी जागरण मंच और आरएसएस के लोगों ने इस देश के अंदर किया। बोले वे विदेशी कंपनियां इस देश में नहीं आएंगी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस देश में नहीं आएंगी।
देश के किसानों की जमीनें, देश के किसानों की जमीनें, देश के किसानों की जमीनें मंजूर निकाला जाए, देश के किसानों की जमीनें कंपनियों को देश के अंदर दी गई है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दी गई है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश के अंदर किसान की जमीन आप देने का काम कर रहे हैं, देश के अंदर विदेशी टापू आप खड़ा कर रहे हैं, एसी जेट के नाम पे किसानों की जमीनें लिए, आप उसका उपयोग नहीं किया, आज वो किसानों की जमीनें आप वापस क्यों नहीं करते, जब एक 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 कानून है, नियम है कि अगर 5 साल तक जमीन आप जिस उपयोग के लिए लेते हैं इस्तेमाल नहीं होता तो वो जमीन उनको वापस की जाएगी, आप नहीं वापस करते। माननीय, आप समाप्त कीजिए संजय सिंह, 9 मिनट का समय है माननीय, आदर्श में जब हम रहे हैं तब भी आप टाइम नहीं देंगे, 9 मिनट का हमारा समय माननीय, आपका समय समाप्त, 9 मिनट का समय है, आदर्श में पूछ लीजिए, 9 मिनट का समय आदर्श में हमें मानो, यहाँ तो नहीं हो, नहीं नहीं आप पूछ लीजिए, वो गलत दिखाया, नहीं मैं सही दे लिखा, देख के आया तब बोल रहा हूँ, देख के आया तब बोल रहा हूँ मानवर, और एक किसान सम्मान योजना की बात बार बार हुई, किसान सम्मान योजना 72 साल की आजादी के बाद साल का 6,000 रुपए, और साल का 6,000 रुपए का मतलब एक किसान को प्रतिदिन आप 17 रुपए पीने का साफ पानी आप खरीदते हैं, दिल्ली में 20 रुपए की बोतल पानी खरीदते हैं, और किसान को 72 साल के बाद उसके खाते में 17 रुपए प्रतिदिन डाल के आप किसान सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, ये किसानों के लिए मान्यवर सम्मान की योजना नहीं है, उनके फसल का 1.5 गुना दाम उनको दीजिए, उनको समय पे सस्ती खाद दीजिए, उनको सस्ते में डीजल दीजिए, उनको पानी के लिए सुविधा दीजिए, आपसे किसान कटोरा फैला के भीख नहीं मांग रहा है, वो इतना उत्पादन कर देगा कि अपना जीवन खुद से वो चला सकता है, उसको आपके सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। मान्यवर, मान्यवर, आलू के किसान फरुखाबाद से लेकर तमाम इस इटावा एटा के बेल्ट में, हरनाथ यादव जी बैठे हैं उस बेल्ट में, मान्यवर आलू के किसान आलू पैदा करते हैं, और जब उनकी पैदावार को खरीदा नहीं जाता 50 पैसे 1 रुपए किलो अपना आलू बेचने के लिए जब वो मजबूर होते हैं, कई बार गोदामों में रखते हैं तो आलू जब खरीद नहीं होती तो उस खाल आलू को खेतों में और सड़कों में फेंक कर वो नष्ट करने का काम करते हैं। मानवर आलू अपने वो नष्ट करने के लिए मजबूर होते हैं, टमाटर पैदा करते हैं दाम नहीं मिलता तो उसको नष्ट करने के लिए मजबूर होते हैं, प्याज पैदा करते हैं दाम नहीं मिलता तो उसको नष्ट करने के लिए मजबूर होते हैं, और इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा है मान्यवर, गन्ने का जब दाम नहीं मिला तो किसानों ने अपने गन्ने खेतों में जलाने का काम किया है, विजय पाल सिंह तोमर जी इसके गवाह होंगे, वो जानते होंगे, इस प्रकार की हालत है इस देश में किसानों की, सीमा पर जवान मर रहा है, खेत में किसान मर रहा है, और हजारों की संख्या में किसानों ने आत्महत्या की है, उनकी पीड़ा उनकी तकलीफ को सुनने वाला कोई नहीं, उनके फसल का दाम देने की एक स्पष्ट नीति आप बनाइए, समर्थन मूल्य देने की एक स्पष्ट नीति बनाइए, जिसके कारण किसानों को समय पर उनका समर्थन मूल्य मिल सके, गन्ने का जो हजारों करोड़ रुपए बकाया है प्राइवेट चीनी मिलों के ऊपर, आप यहां से पैसा प्राइवेट चीनी मिलों को दे देते हैं और वो पैसा फिर किसानों को नहीं जाता, ये क्यों होता है इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। हमने दिल्ली के अंदर फसल बर्बादी का मुआवजा हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ा मुआवजा 50,000 रुपए हेक्टेयर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिया मान्यवर, और दिल्ली में हमने 2600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीद के लिए सरकार के बजट में योजना लाई है, हमने फैसला लिया है किसानों का गेहूं 2600 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा, दिल्ली के अंदर जो किसान है उनके लिए हम काम कर रहे हैं, और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि आप कृपा करके किसानों के भंडारण की, किसानों के पैदावार के खरीद की, किसानों के जमीन के उचित मुआवजे की, किसानों के विवादों के सही समय पर निपटारे की एक सार्थक योजना सामने लेकर आइए, पूरे देश का किसान प्रतीक्षा कर रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर बड़ी उम्मीदों से देख रहा है, इस सरकार की ओर उम्मीदों से देख रहा है कि 2019 में जो प्रचंड बहुमत से आपकी सरकार आई है वो किसानों के लिए क्या करेगी, आने वाले दिनों में आप कुछ बेहतर इस देश के किसानों के लिए करेंगे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं विजय पाल सिंह जी तोमर के सारे प्रस्तावों का हृदय से समर्थन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद संजय जी।